भाई थार है, ऑफ रोडिंग किंग है, उसके बाद इतना पावरफुल इंजन भाई, मजा ही आ जाता है इसको चलाने में। गड्ढे वड्ढे तो इसमें कुछ पता ही नहीं चलते यार, और ये भार भी इतनी। हेलो एवरीवन, दिस इज लकी द रेसर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, ये खड़ी है हमारी नई महिंद्रा थार। तो 4-5 दिन हो चुके हैं इसको लिए हुए, लेकिन यार मैंने एक बार भी लॉन्ग राइड पे नहीं गया, तो मैं आज इसको लेके जा रहा हूँ लॉन्ग राइड पे। तो आज बहुत ज़्यादा मजे करेंगे यार, इसको चलाऊंगा मैं और जो भी है बहुत सारा फन करेंगे इसके साथ। इसके अलावा ढेर सारी रील्स बनाऊंगा, फोटो शूट भी कराऊंगा, तो वो आप लोगों को इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाएगा। तो ये देखो, यूजर नेम आप लोगों को दिख रहा होगा। और तो ये हमारी थार, चलो गाइस चलते हैं, बैठते हैं स्टेयरिंग में यार। और इसमें बैठने में तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजा बैठा हो और राजा गाड़ी चला रहा हो, बहुत मजा आता है। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से चलते हैं और मजे लेते हैं राइड के। तो गाइस यार, सबसे पहली चीज तो जब इसमें बैठते हैं ना, तो यार इतना ऊंचा बैठते हैं ऐसा लगता है मिनी ट्रक चला रहे हो। और ये इसकी की है, और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो बाहर बहुत ज्यादा धूप लग रही है। तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द फन। वो गाइस, बहुत मजा आता है इसको चलाने में यार। अभी ज्यादा चलाया नहीं, टाइम ही नहीं मिल पाता है यार, कहीं मोटर ब्लॉक करता हूँ। अभी बुलेट का एक्सीडेंट भी हो गया है, तो उसको भी देखना पड़ रहा है यार। बुलेट बन रही है अपनी, उसकी वीडियोस मैंने अपने चैनल में डाला हूँ, आप लोग चेक कर लेना जाके यार, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन अब हम उसको नया अवतार देने वाले हैं अपनी बुलेट को, बहुत ही शानदार मॉडिफाई करा रहे हैं। और तो चलते हैं गाइस, मजे लेते हैं अब इस राइड के, और आप लोगों के साथ सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ, तो मैंने सोचा ये भी किया जाए। तो एक चीज और गाइस मैं बता दूं, हमने जो थार ली वो ली है वो पेट्रोल थार है, हमने डीजल थार नहीं ली है, क्योंकि यार पेट्रोल ही गाड़ियां लेते हैं। और भाई एक बात बता रहा हूँ, पेट्रोल थार का जो मजा है ना भाई, वो एक नंबर है। और डीजल इंजन 130 BHP पावर प्रोड्यूस करता है, और ये 150 करता है, मतलब 20 BHP ज्यादा है, और टॉर्क तो सेम ही है। तो भाई, और पेट्रोल इंजन में रिफाइनमेंट भी बहुत होता है, तो भाई उस हिसाब से जब इस गाड़ी को चलाओगे, जो पंच और जो मजा आता है ना भाई, वो तो अलग ही लेवल का। भाई थार है, ऑफ रोडिंग किंग है, उसके बाद इतना पावरफुल इंजन भाई, मजा ही आ जाता है इसको चलाने में। गड्ढे वड्ढे तो इसमें कुछ पता ही नहीं चलते यार, और ये भाग भी इतनी प्यारी रही है ना। देखो मैं दिखाता हूँ कुछ आप लोगों को, ये देखो भाई, मतलब समझ लो कि पंजा दबा भी नहीं रहा हूँ मैं अभी, और ये भाई बिल्कुल भाग रही है कि भाई मुझे भगाओ, मुझे भगाओ, ऐसी ऐसा है भाई इसका कुछ सीन। तो काफी सारी बस लगी हुई है, ये क्या है भाई, चलो गाइस। काफी मजा आ रहा है थार को चलाने में, और अब तो चलाते ही रहेंगे यार, घूमते ही रहेंगे। ये तो जो पहली बारी जो चीज रहती है ना भाई, उसका मजा लग रहता है, फिर धीरे धीरे तो आदत हो जाती है। जैसे जब मैंने अपनी पहली बार अपनी GT 650 को चलाया था ना भाई, क्या मजा आया था, मैं तो पागल हो गया था भाई। पहले यार मैं 80 की स्पीड जा रही है ये, तो फिर भाई जो पुश था ना यार, बहुत तगड़ा था। फिर धीरे धीरे अब तो ऐसा है भाई कि समझ में ही नहीं आता, वो स्पीड ही नहीं लगती, मतलब होता है यार, हैबिट हो जाती है चीजों की हमको। और हमने पेट्रोल थार लिया गाइस, बस एक चीज है, डीजल थार एवरेज ज्यादा देती है, लेकिन एवरेज इसका कम है, ये 8-10 का माइलेज ही देती है, और वो भी चलाने पे डिपेंड करता है, हो सकता है कम भी दे ट्रैफिक में। लेकिन भाई जो इसको मजा है ना चलाने का भाई, मक्खन है मक्खन, स्मूथ रिफाइंड, और भाई पावर तो भर भर के गाड़ी में, बहुत मजा आता है। और इससे ऑफ रोडिंग भी करेंगे बहुत ही जल्द हम। आज तो मैं निकला हूँ रील्स वगैरह बनाने, रील्स वील्स बनाएंगे इसमें, और राइड करनी थी मुझे, मजे लेने थे थार के, मैं चलाऊंगा आज, तो भगा रहा हूँ मैं थोड़ा सा इसको, खाली रोड है गाइस। तो ये देखो गाइस, पंच यो, की स्पीड तो पता ही नहीं चल रही है गाइस, बहुत तेज भाग रही है। मैंने सुना था कि जो पहले जो थार आती थी पुरानी वाली, वो 100 की स्पीड जाती ही नहीं थी, और जाने में बहुत टाइम लेती थी, वो भागती भागती नहीं थी भाई। लेकिन ये क्या भाग रही है आराम से, मुझे ऐसा लगता है कि 150-160 भागेगी ये तो भाई। लेकिन इतनी भगाएंगे नहीं गाइस हम, इतनी भगाना ठीक नहीं है, आराम से ही चलेंगे।
भाई जब मैं इसको भगा रहा हूँ, जब ये 80 की स्पीड पे जा रही है ना, तो एक बीप वाला साउंड आ रहा है। स्पीड पकड़ रही है ना तो ये बीप साउंड कर रही है 80 की स्पीड में, शायद 100 के बाद भी हो। तो देखते हैं और कौन कौन सी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं हम अपनी नई थार में। तो गाइस अब मैं रील्स बनवा रहा हूँ और फोटो शूट करा रहा हूँ, आप लोगों को देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम में। यूज़र ने मैंने आप लोगों को बता ही दिया, बता देता हूँ फिर से एक बार, _lucky_01 और ये खड़ी है धार। शूट इज ऑन। तो गाइस बहुत सारा शूट कर लिया है आज, कुछ कुछ फोटोज़ तो अच्छी नहीं आई लेकिन कुछ कुछ अच्छी आई हैं, तो ज़्यादा भी नहीं किया है लेकिन रील्स वगैरह काफ़ी अच्छी बना ली है हमने, तो पोस्ट करूँगा मैं इंस्टाग्राम में, तो देख लेना गाइस। देखो मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ, तो ये देखो गाइस, ये खड़ी अपनी थार और ये लोकेशन देखो गाइस। तो चलो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा धूप है, फिर अभी स्केटिंग करने भी जाना है। अब यहाँ से निकलेंगे, कुछ खाएंगे, भूख लगी है, फिर उसके बाद घर चलेंगे। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, काफी देर हो गया भाई शूट करते हुए, तो चलो अब निकलते हैं। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को वीडियो, में आप लोगों ने एंजॉय किया या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग को तो बहुत मजा आया लेकिन यार धूप बहुत है, तो कभी कभी ऐसा होता है यार धूप है फिर अच्छा नहीं करती है शूट करने की थोड़े टाइम बाद, लेकिन फिर भी जितना हो सका आज किया है। बाकी इंस्टाग्राम में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, कमेंट करके बताना गाइस, और आगे और भी चीज़ें करेंगे, करते जाएंगे रुकेंगे नहीं। तो चलो चलते हैं, अब कुछ खाएंगे। तो गाइज मैं आ चुका हूँ घर, मतलब घर तो बहुत पहले आ गया था यार, मैं वीडियो बहुत दिनों बाद पोस्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली यार मेरी बुलेट का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं उसमें ही लग गया था। फिर एक्सीडेंट के बाद गाड़ी को वहाँ पे डाला जहाँ पे बन रही थी पूरी, फिर नई हुई और काफ़ी सारे पार्ट्स लगाए नए और बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई कराया, फिर से एक नया लुक दिया और ब्रांड न्यू करा ली फिर से। तो सारी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर डाली, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। और गाइस थार का तो कुछ ऐसा है यार, जिन लोगों को माइलेज चाहिए थोड़ा सा माइलेज और परफॉर्मेंस भी अच्छी, तो भाई डीजल वाली लो, लेकिन भाई अगर लेने हैं फुल मज़े और भाई भर भर के पावर चाहिए तो भाई पेट्रोल वाली थार लो, मज़ा आ जाएगा। बस ये थोड़ा माइलेज कम देती है, मेरे को तो ऐसा लग रहा था यार 7-8 का दे रही है अभी। चलो गाइस इस वीडियो करता हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं अगली किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपने घर वाले का ध्यान रखना, राइड सेफ एंड बी सेफ़।